नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 वर्ष वालों के वैक्सीनेशन अभियान पर लगी रोक। नेपाल में भूकंप के झटके से हिल गया बिहार। बीपीएससी 64वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जून में हो सकते हैं जारी। बिहार में ब्लैक फंगस से संक्रमितों की संख्या हुई 61। बिहार में तौते चक्रवात के असर से मौसम में रहेगा बदलाव। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 वर्ष वालों के वैक्सीनेशन अभियान पर लगी रोक। राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण कई जिलों में वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है। इसलिए डोज मिलने तक फिलहाल वैक्सीनेशन अभियान को राज्य सरकार ने रोक दिया है। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है कि जब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीन लगाए जाने पर रोक लगी है। वही जानकारी के मुताबिक बिहार को अगले 2 सप्ताह में 10.45 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी, जो कि सिर्फ 40 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा 18 से 44 साल के लोगों के लिए 6.89 लाख वैक्सीन 1 जून को मिलेगी। वहीं राज्य सरकार की कोशिश है कि शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण इलाकों में भी लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं, जिसके लिए 72% सेंटर ग्रामीण इलाकों में शुरू किए जाने की बात कही गई है। नेपाल में भूकंप के झटके से हिल गया बिहार। बिहार की सीमा से सटे नेपाल के क्षेत्र में आज सुबह करीब 6:45 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.8 बताई गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल के लामजंग जिले के पोखरा से 35 किलोमीटर पूर्व में था, जो कि बिहार के बेतिया से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण सीमा से सटे बिहार के जिलों में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जिसके बाद सुबह ही सीमावर्ती इलाकों के लोग डरे सहमे घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में 2 से 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे किसी के भी नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार इसका केंद्र भूतल से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। बीपीएससी 64वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जून में हो सकते हैं जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा 64वीं सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। इसे लेकर आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत आयोग के संयुक्त सचिव अवरेंद्र कुमार ने बताया कि जून में रिजल्ट को जारी करने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत जिन उम्मीदवारों की पीएमसीएच जांच होनी थी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसके बाद अब रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि 64वीं सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा के लिए बीपीएससी ने साल 2018 में ही विज्ञापन निकाला था। इसके माध्यम से 1465 उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी है। वहीं इंटरव्यू की प्रक्रिया फरवरी में ही समाप्त हो गई, मगर अभी तक रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया है। वहीं छात्रों का कहना है कि यूपीपीसीएस की ओर से अभी तक 2 परीक्षाओं को क्लियर किया जा चुका है और इसी अवधि में बीपीएससी अभी तक एक भी परीक्षा में लटकी हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम ऑडियो संदेश किया जारी। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है और इस लॉकडाउन का एक सकारात्मक असर बिहार में यह जरूर रहा है कि कोरोना मामलों में बिहार में कमी आ रही है। इसके तहत सरकार महामारी से निपटने के लिए हर व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है। वहीं एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए एक ऑडियो संदेश को जारी किया है। आपको बता दें कि पिछले बुधवार को ऑडियो संदेश जारी करने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ने कल मंगलवार को ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन जांच और मामलों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया था और कोरोना संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी भी आ रही है। बिहार में ब्लैक फंगस से संक्रमितों की संख्या हुई 61। सूबे बिहार में ब्लैक फंगस का कहर दिख रहा है। इसके तहत ताजा मामले में फिर से 13 संक्रमित पाए गए हैं। इसका कहर पोस्ट कोविड मरीज यानी कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर ज्यादा दिख रहा है। इसके तहत मंगलवार को विभिन्न अस्पतालों में कुल 13 मरीज भर्ती किए गए हैं। इसके साथ ही पटना एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 32, IGIMS में 13, पारस में 10, रूबन में 4 और फोर्ट में 2 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसके बाद अब तक ब्लैक फंगस के संक्रमित की संख्या 61 हो गई है। वहीं बिहार में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने पटना एम्स और IGMS को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए विशेष केंद्र बनाया है, जहां बेड के साथ साथ अन्य व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं PMCH और NMCH में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए वार्ड खोलने की तैयारी चल रही है। बिहार में तौते चक्रवात के असर से मौसम में रहेगा बदलाव। बिहार में भी मंगलवार से तौते तूफान का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। इसकी वजह से अचानक चक्रवाती सिस्टम बन गया है, जो कि आगामी 48 घंटे तक बना रहेगा, जिसके कारण लगभग पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात होने के आसार बन गए हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। IMD पटना की तरफ से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद,
अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में सामान्य से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में बारिश और बिजली गिरने की आशंका भी विभाग ने जताई है। हालांकि इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। राज्य में एटीएम से रुपए की निकासी में 40% का हुआ इजाफा। सूबे में कोरोना महामारी के बीच कैश निकालने के लिए अब लोग एटीएम को ज्यादा सेफ और सुविधाजनक मानने लगे हैं। इसके तहत पिछले साल महामारी के समय की अपेक्षा इस साल अधिक सतर्क होकर लोग मोटी रकम भी एटीएम से निकाल रहे हैं और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बैंक जाने से बच रहे हैं। इसके तहत एटीएम से पैसे निकालने में लगभग 40% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि राज्य में 6,639 एटीएम है और कुल 6,10,36,885 कार्ड धारक है। वहीं इनमें सिर्फ पटना जिले में 1,509 एटीएम और 53,42,298 एटीएम कार्ड धारक है। बैंक अधिकारियों के माने तो फिलहाल एटीएम में हर दिन लगभग 12 करोड़ रुपए लोड किए जा रहे हैं। वहीं लोग एटीएम के जरिए लगभग 10 करोड़ रुपए की निकासी हर दिन कर रहे हैं। पहले लोग औसतन एक बार में 2,000 से 4,000 रुपए निकालते थे, जबकि अब लगभग 4,000 से 8,000 रुपए एक बार में लोग निकाल रहे हैं। जनाधिकार पार्टी ने सांसद राजीव प्रताप रूडी पर किया पलटवार। बिहार में एम्बुलेंस विवाद को लेकर जुबानी वार पलटवार का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। ताजा मामले में जहां मंगलवार को सारण से भाजपा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने वीडियो जारी कर पप्पू यादव को अपराधी बताया, तो पप्पू यादव की पार्टी जाप ने भी अब पलटवार किया है। इसके तहत जाप के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते रूडी केवल घपले घोटाले में लगे रहे। वे बताएं कि उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पर अगर गंभीर आरोप लगे होते तो उन्हें संसद में बैठने की बात कौन कहे, चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाता। अदालत ने पप्पू यादव को आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन रूडी ने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने रूडी के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि रूडी पर जल्द ही कोई ना कोई व्यक्ति मानहानि का मुकदमा करेगा। पटना व बेगूसराय के जिलाधिकारियों ने पीएम मोदी से बताई परेशानी। कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी जिलावार डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना व बेगूसराय के जिलाधिकारी से कोरोना की स्थिति को लेकर बात की। इस दौरान दोनों डीएम ने अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री को दी ही, इससे साथ ही निपटने में हो रही परेशानियों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया। इसके तहत पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि 500 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की अत्यधिक मांग के बावजूद अस्पताल की मात्र 100 बेड का इस्तेमाल सेना के डॉक्टरों की टीम के सहयोग से किया जा रहा है। शेष 400 ऑक्सीजन युक्त बेड का उपयोग नहीं किया जा सका है। वहीं कुछ उपकरणों की कमी की वजह से वेंटिलेटर और आईसीयू भी उपयोग में नहीं है। वहीं ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार ने बरौनी रिफाइनरी में तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कराने की बात कही, जिससे बिहार के साथ पड़ोसी राज्यों को भी तरल मेडिकल ऑक्सीजन का लाभ मिल सकेगा। जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ की वर्चुअल बैठक। बिहार में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और भाजपा नेताओं की भूमिका को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के पदाधिकारियों एवं सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जो कि करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान उन्होंने सेवा ही संगठन अभियान के तहत जारी कार्यों की समीक्षा की और कहा कि इस आपात स्थिति में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के लिए खड़ा है। जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं मिल जाती, तब तक भाजपा के कार्यकर्ता जनता के हर संभव सहायता करते रहे। उन्होंने साथ ही खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा के लोग दिन रात जरूरतमंदों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याओं का निष्पादन करने और लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। वहीं कोरोना महामारी में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की बात भी बताने को कही। रोहिणी यादव ने सीएम नीतीश और सुशील मोदी पर किया ट्वीटेड वार। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव इन दिनों राजनीति में काफी सक्रिय दिख रही हैं और लगातार वे सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन रही हैं। इसके तहत अब रोहिणी ने बिहार की नीतीश सरकार के साथ ही भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को भी अपने निशाने पर लिया है। रोहिणी ने सुशील मोदी के इशारों पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कोरोना वैक्सीन नहीं लेकर टीकाकरण के खिलाफ लोगों को उकसाने की बात कही थी। रोहिणी ने ट्वीट किया कि पहले वैक्सीन ला कर दो दे सही। सुशील मोदी को जनता के बीच जाकर देखने की नसीहत देते हुए रोहिणी ने उन्हें ट्विटर मियां की उपाधि से नवाज डाला है। इसके अलावा अपने एक ट्वीट में रोहिणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के विकास मॉडल को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार की संज्ञा देते हुए लिखा कि अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा है तो वे कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते हैं। बालू के अवैध खनन से जुड़े 38 लोगों पर किया गया एक्शन। बिहार में बालू माफियाओं और अवैध बालू खनन पर एक्शन लेने के लिए खान
एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने एक पत्र डीजीपी व राज्य के मुख्य सचिव को लिखा था, जिसके बाद डीजीपी ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए तुरंत संज्ञान लिया है। इसके तहत एक ही दिन में अवैध खनन में संलिप्त 38 लोगों के खिलाफ पटना के पालीगंज अनुमंडल में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनसे 13 पोकलेन, 2 हाइवा और 4 ट्रैक्टर भी पुलिस ने जब्त किया है। विदित हो कि प्रदेश में 1 मई से ही बालू खनन पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से खनन का काम चल रहा है। खासकर पटना और भोजपुर जिले से ज्यादा शिकायत आने के बाद विभागीय अधिकारी हरजोत कौर बम्हारा ने डीजीपी को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर पालीगंज के अनुमंडल में महाबलीपुर से जनपारा बालूघाट तक छापेमारी अभियान चलाकर एक साथ 38 लोगों के खिलाफ अवैध बालू खनन का मामला दर्ज किया गया। नेपाल से सुपौल आए जंगली हाथी पर वन विभाग ने लिया एक्शन। नेपाल के जंगलों से अक्सर ही जंगली जानवर बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कई बार यहां के लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। ताजा मामला सुपौल से आया है, जहां नेपाल से आए 4 हाथियों ने बसंतपुर पंचायत में शनिवार को उत्पात मचाते हुए फसल व दुकानों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और वन विभाग के अधिकारियों से अविलंब जांच रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने वन विभाग से नेपाल से आने वाले हाथियों को रोकने के लिए अब तक किए गए उपाय, अब तक हुए जानमाल के नुकसान एवं अब तक किसानों को दिए गए मुआवजे के साथ साथ समस्या के स्थायी निदान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी कोरोना में चुपचाप कर रहे हैं लोगों की मदद। लोगों की सेवा अगर अपना नाम उजागर किए बिना की जाए तो वो अलग किस्म की आत्मसंतुष्टि देती है, और ऐसा ही कुछ कारनामा सीएसके के खिलाड़ी ने किया है, जिसके नाम का उजागर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने किया है। इसके तहत सोनू ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक खिलाड़ी उनके अभियान में लगातार उनकी मदद करता नजर आ रहा है और उनके इस कदम के लिए सोनू ने उन्हें धन्यवाद भी कहा। सोनू ने बताया कि चेन्नई के कर्ण शर्मा कोरोना के खिलाफ उनकी लड़ाई में लगातार साथ खड़े हैं। सोनू ने ट्वीट किया और लिखा कि सोनू सूद फाउंडेशन में आपके निरंतर समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने एक बार फिर देश के युवाओं को प्रेरित किया है और आपके जैसे लोग सच में इस दुनिया को खूबसूरत जगह बनाते हैं। जिसके बाद कर्ण ने इसका जवाब देते हुए सोनू को असली हीरो बताया। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से बढ़ा मौत का आंकड़ा। देश भर में कल के बाद आज फिर से 3 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं मौत का आंकड़ा काफी बड़ा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 4,529 मरीजों की जांच चली गई है। वहीं 3.89 लाख लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस देश भर में 32,26,719 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 6,286 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 11,174 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 64,698 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले लगातार कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 89.65% हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।